एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। मेरी मंजिलें तेरी मंजिलें, मेरे हौसले तेरे हौसले हैं, जुदा नहीं फिर भी अलग। की तरह बजता ही रहा हूं मैं। इस यादगार गाने का संगीत दिया था श्री रविंद्र जैन जी ने, जो दृष्टिहीन हैं। सिर्फ वो ही नहीं, स्टीवी वंडर, रे चार्ल्स, होसे फिलिसियानो, म्यूजिक इंडस्ट्री में हर कोई बड़ी इज्जत के साथ इनके नाम लेता है। अगर इन मौसीकारों को यह मुकाम मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके हुनर और लगन के बूते पर। आज भी हम इन्हें सराहते हैं तो इसलिए नहीं कि ये दृष्टिहीन थे, बल्कि इसलिए कि वो चोटी के कलाकार थे। मगर म्यूजिक एक ऐसी फील्ड है जिसकी पहचान दृष्टिहीनता से जुड़ गई है। बच्चा देख नहीं सकता, इसको म्यूजिक सिखा दो। ये एक तरह से उस बच्चे की सलाहियत और संगीत दोनों की तौहीन है। आज के इस एपिसोड में हर छाया को तलाश है कुछ ऐसे म्यूजिशियंस की जो अपने टैलेंट के बिना पर पहचान बना रहे हैं, दृष्टिहीन हैं, मगर कुछ नया कुछ अनोखा करने का हुनर और चाह दोनों के मालिक हैं। नसीर साहब ने जब मुझसे कहा कि ऐसे आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियंस ढूंढो जो दृष्टिबाधित हो, वो नहीं जो दृष्टिबाधित होने की वजह से म्यूजिशियंस हो, बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। खैर, नसीर साहब की कही बात के हिसाब से जब मैं कलाकार ढूंढने निकला तो बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। हॉबी के तौर पे म्यूजिक सीखना अच्छी बात है, लेकिन म्यूजिशियन बनना, संगीत को अपना प्रोफेशन बनाना, उसके लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, उसके लिए लगातार साधना, मेहनत और जुनून की जरूरत है। तो आइए मिलते हैं तीन कलाकारों से, तीन अलग अलग शैलियों के माहिर। तो आइए सबसे पहले अपने पहले आर्टिस्ट से मिलते हैं, पद्मश्री गायत्री संकरन, जो चेन्नई में रहती हैं। वोकलिस्ट, वायलिनिस्ट, मौसीकी में पीएचडी और एक वर्चुअल म्यूजिक टीचर। मैं इनसे मिलकर जानना चाहता था कि इन्होंने म्यूजिक को अपने जीवन का लक्ष्य क्यों बनाया। क्या सिर्फ इसलिए कि वो देख नहीं सकते? भजत मुरली मुरारी सुंदर जमुना के तारे, रस रंग ग्वाल बाल संगम दन प्यार।
जो सुंदर। मैंने संगीत इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं देख नहीं सकती, मैंने ये शौक से चुना है। मैं एक संगीतकारों की फैमिली से हूँ और मुझे म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी है। ये मेरे लिए साधना समान है जिससे मुझे मन की शांति मिलती है। एक बच्चा अगर जन्म से दृष्टिहीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो म्यूजिक के अलावा कुछ और सीख ही नहीं सकता। हम वो सब सीख सकते हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबल है। म्यूजिक का दृष्टि से कोई नाता नहीं। जब भी हम कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी आंखें बिना हमारे जाने ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि बिना आंखें बंद किए हम संगीत की खूबसूरती को नहीं समझ सकते। ये भगवान का दिया एक विषय है। मैंने अपना म्यूजिक करियर अपनी माँ से शुरू किया था। मेरी माँ मेरी पहली गुरु थी। वो तृष्णा मलयम रेडियो गाती थी और उसके बाद वो म्यूजिक सिखाती थी और मैं उनके छात्रों के साथ बैठ जाती थी और सीखती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी पर आज तक याद है। उन्होंने मुझे मुहाना वर्णम मोरे और भी बहुत सारे कई गाने सिखाए। उसके बाद मुझे मौका मिला कुछ बड़ी हस्तियों से सीखने का, जैसे कि एमटी रामनाथन, पूरी कोड़ा कृष्णमूर्ति सर, वैरा मंगलम, लक्ष्मी नारायण सर, पक्कला रामदास सर। उन्होंने मुझे राग अल्पना, स्वर अल्पना, सब कुछ और भी बहुत कुछ सिखाया। और उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला लेट पद्म भूषण लालगुड़ी श्री जी जयराम सर से सीखने का। वो हमेशा कहते थे कि जब आप परफॉर्म करें तो दर्शक आपकी धुन में शामिल हो जाएं। वो संगीत को पेंटिंग से कंपेयर करते थे, जैसे कि एक पेंटर अपनी पेंटिंग में 7 कलर्स और एक ब्रश का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही हमारे पास 7 स्वराज होते हैं जिससे हमें खूबसूरत आर्ट पेंट करनी है ऑडियंस के मन में, इन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। आज गायत्री जी का घर उनको मिले सम्मानों और पुरस्कारों से भरा पड़ा है। वो राष्ट्रपति भवन में भी अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया और कम से कम 200 to 250 प्राइजेस जीते और एक बहुत खास इनाम भी जीता था, नेशनल अवार्ड फॉर रोल मॉडल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट ने दिया था 2005 में। और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुझे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया 2006 में। फिर 2008 में कला मामिनी मिला स्टेट गवर्नमेंट से और 2009 में मुझे प्रपंच तेलुगु समिति से मिला। जब जब मुझे कोई अवार्ड मिला है मुझे और हौसला मिलता है कुछ और अच्छा करने का। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब मेरी मदर गुजर गईं, पर अगर भगवान कुछ लेता है तो बदले में बहुत कुछ देता भी है। उस समय मेरी भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मुझे घर और किचन संभालना सिखाया। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली को पाकर बहुत खुश हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं इस पोजीशन में पहुँची हूँ। इन दिस पोजीशन गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। आई डोंट हैव मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, पर मेरे लिए मेरे सारे स्टूडेंट्स ही मेरे बच्चे हैं। तो मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। मेरे अराउंड 75 बच्चे हैं जिन्हें मैं म्यूजिक से पालन पोषण करती हूँ। बोलो हरे राम। टैलेंट का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। गायत्री जी ने कला के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ा और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक नया रास्ता निकाला। तो पेश है गुरु शिष्य का इंटरनेट कनेक्शन। म्यूजिक संगीत मेरे मन में है, मेरी आंखों में नहीं। मुझे संगीत से प्यार है इसीलिए मैंने संगीत को चुना है। मैं संगीत से भगवान को देख सकती हूँ। विकलांगता और अयोग्यता की बात खत्म हो सकती है अगर दुनिया अलग अलग क्षमताओं को पहचानने लगे। ये थी रोशन के बायोडाटा की पहली लाइन और इस एक लाइन ने, इस एटीट्यूड ने दोनों भाइयों को ये सिखाया कि अगर नज़र मंजिल पर हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।
छोड़ो कल की बातें, कल की रात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। म्यूजिक मेरे लिए बचपन से, जब मैं पैदा हुआ था तब से म्यूजिक मेरे साथ इस दुनिया में आया है, क्योंकि मैंने पहले म्यूजिक इस दुनिया में कदम रखते ही मैंने जो पानी की बूंदें टपकती है ना, उस आवाज़ में से भी मैं म्यूज़िक ढूंढा करता था, टिक 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 टिक, और उसमें धा दिन दिन दा ऐसे ताल में ढूंढा करता था। फ़ोन होता जो मामूली, जब जो पुश बटन फ़ोन्स होते थे उस ज़माने में, उसमें पल्स टोन्स होते थे, वो पल्स टोन में मैं म्यूज़िक बनाया करता था, नर्सरी राइम्स बजाता था उसमें, ABCDEFG वो सब बजाता था। फिर मेरे पापा ने वो रिकग्नाइज़ किया और मुझे छोटा सा कैलकुलेटर जैसा पियानो ला के दिया जो उस ज़माने में मिलते थे, उसमें नोटेशंस रहते थे, मम्मी ने नोटेशंस पढ़ के सुनाए मुझे। संगीत के साथ मेरा जो रिश्ता है उसको कायम रखने में मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेरी मदद की है। रोशन जब पैदा हुआ था तब तो मैं छोटी उम्र की थी और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या एक्सपेक्ट करना है, तो पहले तो एकदम बहुत मुश्किल था अपने आप को संभालना। फिर मैंने सोचा कि अगर हम लोग अपनी परेशानियों की वजह ढूंढते रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहेंगे तो एकदम उसका प्रोग्रेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो कदम आगे बढ़ाने लगी मैं, जैसे उसके एजुकेशन के बारे में सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और आज वह अब ये मकाम में पहुंच गया है। जब ऋत्विक पैदा हुआ तो उसे भी यही प्रॉब्लम थी, तो वो समय में मेरे को थोड़ा धक्का लगा कि एक मिल्क से गुजर के आई हूँ और दूसरा सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी। ऋत्विक 6 महीने की उम्र में ही वो छोटी छोटी धुने आलापने लगा था, हर चीज़ में ताल ढूंढता था, बिस्किट उसको दो वो बिस्किट पेपर ताल बजाता था, अपने नाखून अपने दांत हर चीज़ पे ताल बजाता था वो। 1.5 साल की उम्र में तो गाना भी गाना शुरू किया था उसने। ये पता नहीं आज भी एक मिस्ट्री है हम लोगों के लिए कि कैसे गाता था वो, शायद इमोशंस के थ्रू जज करके गाता होगा, बट इतनी कम उम्र में इमोशंस कौन पहचानेगा, ये पता नहीं, भगवान की एक देन है। No new yesterday to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away. ऋत्विक को भाषा की ज्ञान बिल्कुल नहीं थी, ही नेवर न्यू हिंदी, बट फिर भी वो हिंदी गाने इतने एप्ट गाने गाता था, जैसे कोई हमारे घर में बहुत दिनों के बाद आए तो पूछेगा हाल कैसा है जनाब का, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। मेरी मम्मी ने इसके लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी, शी वॉज एन ऑफिसर इन कैनरा बैंक, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और जब से मम्मी ने रिजाइन किया तब से इसका डेवलपमेंट थोड़ा हुआ, बात करने के फील्ड में तो थोड़ा बात करने लगा। मेरी मम्मी ने इसको पालने में, इसको यहाँ तक लाने में जो उन्होंने एफर्ट लगा है, रात दिन उन्होंने बहुत मेहनत किया है इसके ऊपर, ऋत्विक के ऊपर बहुत ही मेहनत किया है, हर विषय में इसको, इवन फ्रॉम यू नो छोटी सी विषय जैसे ब्रश, टीथ ब्रश करना सिखाने के लिए, वो सभी छोटी छोटी बातों को भी उन्होंने बहुत बखूबी इसको सिखाया है, और शी इज हिज बैकबोन, हिज मदर। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी महसूस नहीं होता है कि वो लोग डिसेबल्ड है, क्योंकि उनकी एबिलिटी जो है वो मेरे से और कई अन्य लोगों से बहुत बढ़ के है। इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊंगा। बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक अलग किस्म के इसमें पैदा होता है, ही विल हैव हिज ओन टैलेंट्स, ही विल हैव हिज ओन, उसकी अपनी खूबियां होती है। कोई बच्चा अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई अच्छा स्विमर बन सकता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। पेरेंट्स को ना पहचानना चाहिए कि बच्चे की खूबी क्या है, बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, ये नहीं कि उसे फोर्स करके उसे म्यूजिशियन बना दे क्योंकि वो विकलांग अंधा है। जो टैलेंट उसका है माँ बाप को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए,
और माँ बाप से ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई और नहीं होता है बच्चे के करीब जो जान पाते हैं कि बच्चे में टैलेंट क्या है, और वो टैलेंट अगर उसको फोकस करके उसको प्रोत्साहित किया जाए तो बच्चा डेफिनेटली आगे चल के बहुत कुछ बन सकता है। आई एम वेरी प्राउड क्योंकि अभी जो रियलिटी शो में इन लोगों ने भाग लिया था, और जहाँ भी जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि ऋत्विक का मम्मी जा रही है, रोशन की मम्मी जा रही है, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है कि बच्चे के जरिए हम लोगों का पहचान होता है, इससे बड़ा बात कोई और नहीं हो सकता है। माँ का भरोसा सच में सपनों को पंख दे सकता है। हमारे अगले कलाकार भी अपने माँ के योगदान को बहुत अहम मानते हैं। अब हमारी टीम है माया नगरी मुंबई में, टैलेंट से भरा हुआ है ये शहर, और यहाँ कामयाब होने के लिए हर कोई पापड़ बेलता है, लेकिन चमकने के लिए टैलेंट, लगन और किस्मत तीनों का साथ होना जरूरी है। सरफराज कुरैशी के पास लगन और टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत का साथ उन्हें थोड़ा लड़ झगड़ के मिला। बचपन से शौक तो बहुत था मुझे, पहले ऐसे रिदम बजाया करता था मैं, रिदम में कुछ भी का डेस्क मिल गया, डब्बा मिल गया, कुछ भी से बजाया करता था। फिर उसके बाद जाके कीबोर्ड स्टार्ट किया, फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से शुरुआत की। मैं छोटे छोटे कीबोर्ड लेके प्रैक्टिस करता था, और स्कूल में कीबोर्ड था उसका बहुत यूज़ किया मैंने, रोज़ जाके रोज़ कम से कम सवेरे सवा घंटा और फिर शाम में आधा घंटा जितना मिलता प्रैक्टिस करता था मैं। मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि म्यूज़िक मैं करूं कि दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं शायद लिटरेचर करता था और कुछ अलग फील्ड में एमए वगैरह करता था, लेकिन म्यूज़िक बोला ना एक बहुत पागलपन था हम लोगों को, बचपन से एक जुनून था कि बाबा कुछ करना है। मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा है बचपन से, यानी म्यूज़िक हो या हर बात में, तो बचपन से उन्होंने हमारे लिए एक मम्मी और पापा दोनों का रोल उन्होंने अदा किया है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है यानी म्यूज़िक बोलो या हर चीज़ों में। आज भी हम लोग जो मकाम पर हैं वो उनके कारण ही है, उनका बहुत फाइनेंशियल जितना कर सके उन्होंने किया, लेकिन बाकी जो मेंटल सपोर्ट जो बहुत ज़रूरी होता है वो हमेशा मेरी फैमिली की तरफ से मुझे हमेशा मिलता रहा। बचपन से उसको शौक था सब बर्तन वर्तन लेने का, बजाने का, सब चम्मच प्याला ये लेके बजाने का, तो म्यूज़िक का जैसा उसको पहले से शौक है बचपन से। अभी उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, खुद ही प्रैक्टिस करके खुद ही बजाता हूँ, ट्यूशन भी नहीं लिया कुछ नहीं। अच्छे बच्चे भी जो हाथ पैर सब हाथ पैर आँख विक सब है वो लोग भी नहीं कर पाते उतना, ये करता है। पहले तो स्कूल जाता था कॉलेज जाता था, जब भी रात रात पढ़ाई करके दिन में शो करता था। भगवान की दया से मतलब की मर्जी है कि लोग जान रहे हैं अभी बाहर, यानी जो इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट से जानते हैं लोग, सिर्फ सिंपति नहीं परफॉर्मेंस की वजह से जानते हैं, तो एक खुशी है वो। मेरे को बहुत फख्र है कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा। खुदा ने आँखों की रोशनी तो मेरी छीन ली, लेकिन हुनर कभी आँखों का मोहताज नहीं होता। परफॉर्मेंस तो करेंगे अभी, अकेले करने में मज़ा नहीं आया मेरे ख्याल से, तो मैं इसलिए अभी बैंगलोर जा रहा हूँ, और वहाँ पर ऋत्विक और रोशन जो मेरे एक जाबाज म्यूजिशियन सिंगर जो है उनके साथ मिलके हम लोग कुछ धमाल मचाएंगे, कुछ धमाल करेंगे। बॉलीवुड की सारी नई पुरानी धुनें इनके कीबोर्ड में छिपी बैठी हैं, लेकिन साहब मज़ा तो तब आएगा जब इन सारी पॉपुलर धुनों की मुलाकात कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ होगी। सरफराज भी काफ़ी एक्साइटेड हैं जैम सेशन के लिए, तो हो जाए। चेन्नई से स्काइप पर हैं गायत्री जी, जो इस जैम में कर्नाटक म्यूजिक प्ले करेंगी, ऋत्विक और रोशन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और कीबोर्ड पर हैं सरफराज। Welcome.
कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह टैलेंट भी खुद ब खुद नजर आ ही जाता है। जबरदस्ती ट्रेनिंग देने से या किसी लाइन में धकेलने से टैलेंट अपने आप पैदा नहीं होता, जरूरत है टैलेंट पहचान कर उसको बढ़ावा देने की। जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती CA इंजीनियर या डॉक्टर बनाना गलत है, वैसे ही म्यूजिक में धकेलना, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, जायज नहीं है। बात इस नजरिए से देखी जाए तो समझना आसान है, संगीतकार की पहचान उसके संगीत से होनी चाहिए, उसकी नजर के होने या ना होने से नहीं। बहुत सारे काम दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकते हैं जो कि वैसे इन टूल्स के बगैर करना बिल्कुल असंभव माना जा सकता है। मेरे पास एक रूपी चेकर है जिससे कि नोटों की पहचान करके मैं आसानी से लोगों को देना या करना हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी और सही ट्रेनिंग की मदद से नेत्रहीन भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@eyeway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380।